ये है बल्लू गौतम हरदोली और हमें तो आप जानते ही हैं नीलेश पांडे ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने भाई साहब। कहाँ जा रहे हैं घूमने आज? बरदहा घाटी हम लोग घूमने जा रहे हैं। बरदहा घाटी हम लोग जाएंगे घूमने। तो खा पी के रेडी हो चुके हैं और दोपहर के बज रहे हैं 12:20 हो रहे हैं। ये है कल्लू और एक और कुत्ता है यहाँ पे, उसको बीमारी है। बीमारी मतलब खांसी आ रहा, सर्दी आ गया है। यही है, यह है घर के पीछे का लोकेशन। यह है पीछे का लोकेशन और अंदर चलता हूँ, अंदर का लोकेशन दिखाता हूँ। ये अंदर घर के अंदर घुस गए। अंदर घुसते घुसते यहाँ थोड़ा अंधेरा है, फिर अंदर पहुँच गए। ये इधर ऐसा लोकेशन है। यहाँ चलते हैं छत पे। छत से दूर दूर की चीज़ दिखती है, पूरा गाँव ही दिखता है क्योंकि बहुत दूर दूर तक खाली है इधर, जनसंख्या ज़्यादा है नहीं। दूर दूर का चीज़ दिखता है। देखो उधर पहाड़ी है, हम लोग को उधर ही जाना है, उधर कहीं पहाड़ी पे जाना है। बरदहा घाटी उधर ही कहीं है दूर। तो ये पूरा घर देख रहे हैं वहाँ से, वो जो दिख रहा है बहुत बड़ा घर है भाई, बहुत ज़्यादा घर बड़ा है और लोग इतने नहीं है रहने वाले। 10 लोग होंगे पूरा मिला के, अभी और लोग हैं भी नहीं क्योंकि ये सब लोग और लोग शादी में गए हैं शायद। तो ये वहाँ से पूरा घर देख रहे हैं, वहाँ से यहाँ इधर तक पूरा घर है। और ये है छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा है दिख रहा है। हम लोग कल गए थे उधर साइड घूमने, वहाँ पे है पन्ना, जो पहाड़ी दिख रहा है पन्ना उधर है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बरदहा घाटी। तो वहाँ जाएंगे और दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा लग रहा है बरदहा घाटी, अगर वहाँ तक गए तो। नहीं तो जाना है, एक हनुमान जी हैं, हनुमान जी का नाम है कुछ तो नाम है यार, याद नहीं है नाम हमें। तो हनुमान जी के करेंगे दर्शन, देवरा बाबा हनुमान जी हैं, उनका दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से आगे जाना होगा। अगर प्लान बन गया, बल्लू बताएगा तो जाएंगे, नहीं तो वहाँ से रिटर्न चले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो यही है दोस्तों हाईवे, ये है हाईवे जो हमें जोड़ेगा इंटरनेशनल हाईवे से। बल्लू लगा लिया है कान में ब्लूटूथ, उसको कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, बाइक चला रहा है भाई। आज दूसरी बाइक का जुगाड़ बल्लू ने किया है, जुगाड़ के आज मतलब घर का ही बाइक है दूसरा, वो वाली बाइक आज नहीं लाया, दूसरी बाइक लेके आया है जिससे हम लोग घूमने जाने वाले हैं। अब मुझे उतर के ये गेट खोलना पड़ेगा, सिमसिम दरवाजा वाला गेट है, तो भाई साहब इसको पहले करना पड़ता है ओपन। तो यहाँ से इसको ऐसे उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, ये अजीब बीमारी है। तो यहाँ रख दिया, बल्लू आएगा इधर से, फिर उसको वहाँ से रख के वापस बंद करना पड़ता है ताकि जो खेती बोई हुई है कोई जानवर घुस के ख़राब ना करे। तो बात यही है भाई, करना पड़ता है, ये फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये सीधे हम लोग शायद जलने वाले हैं, इधर जाना पड़ता है, अगर स्टेशन वगैरह तरफ जाना तो इधर जाना पड़ता है, पर हम लोग इधर जाएंगे क्योंकि हम लोग को दूसरी जगह जाना है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, बल्लू स्टार्ट कर दिया और चल दिया बल्लू। पीछे देखिए हवा कहाँ गया, नीचे पीछे देखिए हवा कहाँ, देखते हैं अभी रुक, तो माहौल बनने दे। नहीं कम तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, बकरी वगैरह चारा खा रहा है। रोड थोड़ा सा यहाँ नहीं है अभी तो, क्योंकि खेत में जाके घर बनवा लिए, तो रोड अभी नहीं है, वो रोड बन जाएगा। बकरी वगैरह घूम रहा है, बकरी भिड़ते भिड़ते बच गए यहाँ पे, सब कुछ लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे गांव छोटा सा है गांव, और पूरा लोकेशन पूरा खाली खाली है, दूर दूर तक देख रहे हैं यहाँ पूरा खाली दिखता है, खेत ही खेत है सब, पहाड़ी खेत, बड़ा अच्छा लगता है घूमने में। लोग आ गए रोड पे, अब बस चलाएगा गाड़ी से, आदत है तेज चलाने की भाई साहब, आवाज़ सही से आ नहीं रही होगी, बल्लू पूरा को बांध के रखा हुआ है, बहुत तेज तो नहीं चल रही बाइक, लग रहा होगा आपको बाइक तेज चल रही, इतना तेज चल नहीं रही, तो पायलट में वो तेज चल रहा है, तेज पायलट रहा है, जा रहे पहले देवरा बाबा है ना, देवरा बाबा पेट्रोल लेना है और जैसे तुम्हारी मर्जी, अब अगर इसको लेना होगा तो लेगा, भाई साहब अपने गाँव के हैं।
था छोटा सा, दूसरा गांव हम लोग पहुँच गए थे इतना जल्दी, दूसरे गांव में एंटर कर दिया। गांव छोटा सा है, बढ़िया है, पहाड़ी का इलाका, छोटा सा गांव, गांव का नाम हमें नहीं पता। आया हूँ इसके पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले घूमने आया था, यही गया था वहाँ पे घूमने के लिए, मगर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बरधा वहाँ नहीं गया था, हम लोग गए थे दूसरी जगह, यानी कि देवरा बाबा गए थे। और आज मंगलवार है, प्लान तो वहीं का है एक्चुअली में कि देवरा बाबा जाना है। पानी था पूरा, भाई साहब तेज आ रहे हैं, ऊपर चिट्टा पड़ेगा, तो हम लोग पूरा पानी जंगल से होके आ गए देवरा बाबा। यह है देवरा बाबा मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी, श्री राम मंदिर और क्या कहते हैं साईं बाबा मंदिर, बहुत मंदिर है यहाँ पे। मैं आया हूँ, बहुत अच्छा स्थान है और मंगलवार को काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। पूरा आप जैसा कि देख ही रहे हैं प्रांगण बना हुआ है रुकने उकने के लिए, सबके लिए तो उस तरीके से बनाया गया है। खाने के लिए भी समोसा वगैरह सब मिलता है इधर, यहाँ पे मिलता है समोसा, यहाँ का समोसा मैंने खाया है, ठीक ठाक रहता है समोसा, खाने में अच्छा लगता है। तो रुकना है बल्लू अपनों को यहाँ पे। तो ये मेन मंदिर है देवरा बाबा का, तो बल्लू यहाँ पे रुक रहा है, यानी कि रुकना ही पड़ेगा। तो सब लोग यहीं पे नारियल खरीदते हैं, नारियल खरीद के फिर पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे ही कैजुअली देखना है ना, देवरा बाबा मंदिर मेन मंदिर है, ये मेन मंदिर यही है प्रांगण का। उधर एक मंदिर है, उसके पीछे एक मंदिर, बीच में आप देख रहे हैं, और उसके भी पीछे कई मंदिर हैं यहाँ पे। तो दर्शन हो गए हमें हनुमान जी के यहीं से, तो हम लोग यहीं से दर्शन कर लिए। अब जाना है अपने को दूर, तो यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, मतलब प्रसादी उसादी नहीं चढ़ा रहे हैं, प्रसादी वहाँ पे भी हनुमान जी हैं तो वहाँ भी दर्शन करेंगे। अब सब जगह हनुमान जी तो भाई वही होते हैं, तो वहीं पे कोशिश करेंगे कि प्रसाद वहीं पर चढ़ाएँ और वहाँ का प्रसाद भी खाएँ। यहाँ पे तो मैं इसके पहले भी घूम चुका हूँ, तो यही रोड जाती है क्या, ये रोड जाएगी, नारियल प्रसाद यहाँ से मिल जाएगा मंदिर के जस्ट पीछे। आगे भी मिलता है, मतलब कुआं है, कुआं में जहाँ पैर धुलते हैं सब, फिर वहाँ से प्रसाद वसाद लेके वहीं से करते हैं। तो यहाँ से भी प्रसाद लिया जा सकता है और आगे से भी। तो फाइनली हम लोग को जाना है बरधा, तो निकलते हैं यहाँ। चला तो हम लोग चुके हैं निकल बरधा घाटी के लिए, और बल्लू चला रहा है बाइक। भाई बल्लू बाइक अच्छी चलाता है और उसको रास्ता भी पता है, इसलिए बाइक वही चलाएगा, इसमें किसी का जोर नहीं चलेगा। तो पूरा जंगल के बीच से होके निकलना है हम लोगों को आगे। तो बात यही है कि बात ख़त्म हुई, ये लो बीच में पड़ गया, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है अपने को, नाला है, नदी है, जो भी है, बल्लू साइड से निकाल रहा है, बीच में गड्ढा हो सकता था इसलिए उधर से नहीं गया। अरे बाप, तो हम लोग टायर के बाहर आ गए। रास्ते में इनको बोलते हैं भेड़िए, ये तो जब मिल जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है भाई क्रॉस करने में, क्योंकि पूरे रास्ते में चलते रहते हैं। और ये है घोड़ी गधा, फिर थे भाई भेड़ बकरी, मतलब बकरी नहीं है सिर्फ भेड़ी है, तो भेड़ी रोड पे मिल जाते हैं तो भाई साहब गाड़ी का स्पीड 0 हो जाता है। और भेड़ियाँ एक ही साइड चलती हैं, जिन मतलब एक भेड़ी जिधर जाएगी उधर सारी भेड़ियाँ जाती हैं, ऐसा इनका रूल है। 110 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, पेट्रोल हमने यहाँ से फिल करवा लिया। ये है अतरैला मार्केट, रीवा हरदुआ डभौरा 20 किलोमीटर, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा है इंडिकेटर में। तो हम लोग इस साइड में पढ़ रहे हैं। ये है बहुत बड़ी नदी, कौन सी नदी है भाई, क्या टॉस नदी, ये है टॉस नदी। टॉस नदी अपने तरफ ही है, मैं यानी कि मेरे घर के तरफ भी टॉस नदी वही है ये,
काफ़ी बड़ी नदी है, पुल बना हुआ है, पुल के अंदर पुल पे गाय वाय सो रही हैं क्योंकि यातायात बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बल्लू गाड़ी यहाँ पे स्लो चला रहा है ताकि हम वीडियो बना सकें। ये रही नदी, तो काफ़ी खूबसूरत नदी है भाई, नीचे उतर के खोजने और मज़ा आएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे शूटिंग वगैरह करना हो तो लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है वहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं आप साइड से लेके इधर तक का काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ड्रोन शॉट वगैरह लेना हो तो पुल पे काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। तो भाई साहब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बरधा घाटी, मतलब बरधा घाटी आ गया है, ये रहा पहाड़ी और ये भी कोई जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है, बस स्टॉप है। वन रक्षक हनुमान जी की जय हो, अपने हनुमान घुमा घुमा रास्ता पहाड़ी के बीच में, पहाड़ी को काट के बनाया गया है, पूरा गुफा है भाई साहब, ऐसे घुस के घूमने में काल का ही मजा है। ये बंदर घूम रहे हैं भाई साहब बरधा घाटी के अंदर, बरधा घाटी के अंदर बंदर घूमता हुआ, कई सारे बंदर हैं यहाँ पे, रुकना था सब मुश्किल है। छोटा छोटा बंदर बहुत प्यारा लग रहा है। इसके पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे रुक के फोटो खिंचवाए थे ना भाई, तो दूसरा जगह है क्या वो? तो भाई वो दूसरी जगह है, मैंने मिस्टेक से बता दिया। अरे वाह बरधा घाटी, एक मिनट थोड़ा स्लो चलाना यहाँ पे। बरधा घाटी थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो एक रोड उस साइड में गई जहाँ वो कार मुड़ रही है और एक रोड इस साइड गई है, नहीं वो रोड नहीं गई है, वो वहाँ से मुड़ने के लिए ऐसा बनाया गया ताकि अच्छे से मुड़ सके कार वगैरह पार हो सके। और यह है मंदिर बरधा धाम, यहाँ प्रसादी लेके यहाँ पे तोड़ के नारियल आप जाके ऊपर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, श्री बरधा नाथ धाम लिखा है। यह है अपने बल्लू भाई, लेंगे प्रसाद, प्रसाद लेके पैंट में धूल लग गया बोल रहा है क्योंकि धूल उड़ रहा था। यह अपने पंडित जी, यहाँ पे हो रहा है हवन और आके ये पूरा यूट्यूब पे जाएगा महाराज जी, मतलब पूरा भारत देखता है। तो अंदर जा रहे हैं हम लोग भगवान के दर्शन करने, ये गुफा है। बस जो है पहले मुड़ के उधर जाएगा फिर वहाँ से टर्न होके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बस चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मोड़ है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यहाँ से भी काफ़ी नीचे दिखता होगा, देखते हैं कितना नीचे दिखता है यहाँ से। बल्लू है बाइक लेके आएगा तब तक देख लेते हैं यहाँ से लोकेशन यहाँ का किस तरीके का है। बस इधर से मुड़ के भाई साहब इधर चली गई, यानी कि अगर आपको इधर जाना है तो पहले इधर जाना पड़ेगा फिर वहाँ से टर्न होके फिर इधर आना पड़ेगा, ऐसा है। और यहाँ से नीचे काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी नीचे दिख रहा है यहाँ से। अभी हम लोग काफ़ी हद तक ऊपर आ चुके हैं मगर बहुत ऊपर नहीं आए हैं भाई, यहाँ से और ऊपर जाना है मतलब उधर तक, फिर वहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को नीचे कैसा दिख रहा है, ऐसा गोला गोला का रास्ता दिखता है। बल्लू आ रहा बाइक लेके, तो मैं बाइक में बैठूंगा फिर दोनों लोग चल देंगे, देखते हैं आ रहा है बल्लू मेरे पास सीधा आएगा। बस तन्नस जाके बाइक में बैठ जाएंगे, चलो जय श्री राम बाय बाय। तो हम लोग इस पहाड़ी के ऊपर यानी कि हिल स्टेशन पे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मतलब पूरा ऊपर तो नहीं आए हैं मगर फिर भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ से देखिए अभी हम लोग चढ़े हैं ऊपर, वहाँ का नज़ारा है गोला गोला, घुमा घुमा के रोड आता है इधर, पैसा वाला गाड़ी जा रहा है। कितना दूर दिख रहा है यहाँ से, कई किलोमीटर दूर तक दिख रहा है। कई किलोमीटर दूर तक हो दिख रहा है भाई।
झील वगैरह दिख रही हैं यहाँ से। घूम घूम के आ रहे हैं ये अपने बल्लू भाई, वीडियो बना रहे हैं। बाइक वहाँ खड़ी कर दिए हैं, और भी ऊपर जाना है अपने को, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग बरदहा घाटी घूमने के बाद वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, और ये कौन सी जगह है, बाबा घिनौची धाम हम लोग आ गए हैं। पावन घिनौची धाम लिखा, अरे पावन घिनौची धाम, हाँ घिनौची धाम, वहाँ पे आ गया है पियावन। तो वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, बल्लू भी भाई आ गया है, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब विकास भैया को, क्योंकि उन्हीं की बाइक यूज़ की गई है यहाँ तक आने में। तो जब भी आप हमारा वीडियो देखें, सही बात, विकास गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो हम लोग घुसेंगे बंदर गेट के, यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, तो यहीं से अंदर जाएंगे। बल्लू को लेना है सेल्फ़ी, तो यहीं पे सेल्फ़ी लेंगे हम लोग, फिर अंदर जाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ा सा अंदर घुस के। तो ये रहा बड़ा सा गेट, गेट के अंदर जाते हैं घुस, यहाँ पे कुछ अंकल लोग बैठे हैं सबकी मतलब देख रेख करने के लिए। इधर अंकल जी बैठे हैं, जैसे बुला रहे हैं। हाँ अंकल जी बोलिए, क्या बताओ यार, तुम इनको बताओ। घूमने जा रहे हैं, 25 रुपए जमा कर दो। हम लोग घूमने जा रहे हैं, 25 रुपए जमा करें, टिकट दीजिए। टिकट के लिए मैं भेजा हूँ। किसको? मुंशी जी को। टिकट लेके आइए, पैसा ले जाइए। नहीं तो फिर जाओ बाहर। तो दोस्तों ये है पावन घिनौची धाम, यहाँ पे पता नहीं पैसा लगता कि नहीं लगता, अब अंकल जी पैसा मांग रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या कौन सा मंडल रीवा, जो भी है, मुझे तो रीवा के बारे में पता नहीं है, इसको पता होगा। तो पैसा मांग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। हो गया, हम करना पढ़ावा, हम बहुत मोबाइल दिखे हैं। तो ये पैसा निकाल रहा है और दे रहे हैं, बहुत देने के लिए 25 रुपए। अंकल जी कुछ बोल रहे हैं, मोबाइल दिखे हैं हम, अंकल जी मोबाइल देखे हैं, पर ये मेरा दूसरा, मेरा मोबाइल दूसरा। हाँ हो तो दे दो, नहीं हो तो अंकल जी 20 रुपए में मान गए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। कितना दूर है अंकल यहाँ से घूमने जाने के लिए? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर हम लोग पैदल जाएंगे भाई साहब, और घूमेंगे वहाँ पे, वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब में। तो हाँ हाँ, वहाँ से आए, इलाहाबाद से आए, वो जानते हैं व्लॉग, इसलिए तो बोल रहे हैं व्लॉग। तो अंकल जी से हम लोग मिल लिए, अब जाएंगे, और जहाँ पे हम लोग को घूमने जाना है घिनौची धाम, वहाँ पे पहुँच के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। भाई साहब दूर है ना, आधा किलोमीटर, इतना दूर का वीडियो बनाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखोगे नहीं, भग जाओगे बीच में। क्या बल्लू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली इसके पहले आए हो तुम? फर्स्ट बार मेरा भी है। पहली बार बल्लू भी आया है, मतलब गेट के बाहर तक आया है, अंदर कभी नहीं आया, और मैं तो भाई साहब फर्स्ट टाइम आ ही रहा हूँ। मेरी वजह से बोल रहा है, हमको भी मौका मिला, तो जो भी है यही है कि हम लोग जा रहे हैं घिनौची, पहुँच के वहाँ मिलते हैं भाई साहब। तो यहाँ से पैदल थोड़ी दूर और आएंगे, तो बैठने के लिए बनाए हैं ताकि आप थक जाएं तो बैठ सकें यहाँ पे। और बैठते हैं, चलो तो ये घूमते हुए थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बल्लू बोल रहा है। तो ये बैठने के लिए पूरा बांस का बनाया गया है, यहाँ से नीचे उतरना है, अभी जो पहाड़ी के ऊपर हम लोग चढ़े हैं वहीं से उतरना है नीचे, उतरते रहेंगे तभी तो मज़ा आएगा। क्या बल्लू भाई साहब, बैठने के चलते हैं, पहले घूम ही लेते हैं, फिर यार बैठने का टाइम कहाँ है। तो यहाँ पे सीढ़ी बना दिया गया है, और बगल बगल में डिवाइडर लगा दिया गया है ताकि आसानी से उतरा जा सके। लोग यहाँ पे मुझे लगता है बहुत आते होंगे घूमने, इस टाइम पे ज़्यादातर कोई दिख नहीं रहा है। बल्लू यहाँ पे लगता है फ़ोटो खिंचवाने वाला है, इसलिए खड़ा हो गया। भाई साहब खींच देते हैं इसकी फ़ोटो, फ़ोटो खींच गई बल्लू की। यहाँ से उतरते हैं नीचे, इतना सारा पत्थर, अरे यार, जो आपने पिछला ब्लॉग देखा है मेरा पन्ना, कुछ वैसा ही भी लगता है, कुछ वैसा क्या, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा है ये। तो उतर आए, पूरा जंगल ही है ये, मुझे लग रहा है डिवाइडर इसीलिए बनाया गया है ताकि पूरा जंगल है। यहाँ भी बैठने के लिए बना दिए हैं, जो थक गए होंगे वो जाके ताकि रेस्ट ले सकें, बैठ सकें। अरे यार उसमें वो सांप क्यों फिट गया, निकाल लेने, अरे निकाल लेने दो। तो हम लोग घिनौची धाम पहुँच ही गए हैं, कुछ उधर मंदिर है, कुछ इधर मंदिर है, झरना वरना भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है अपने को, देखते हैं। ये हनुमान जी की, हाँ हनुमान जी हैं,
अरे गजब पवित्र नज़ारा। पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ झरना, छोटा छोटा झरने का पानी और शंकर जी की पूरी मंदिर। क्या प्लेस है यार, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। यहाँ का यार वातावरण जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एकदम शांत महकता हुआ। एक मंदिर है पुरानी और ये शंकर जी की शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ के जस्ट अपोजिट साइड में यानी सामने देखेंगे आप, पूरा आपको एकदम खड्डा दिखेगा, खाई है पूरी। यहाँ झरना गिरता होगा बारिश में, मुझे लग रहा है कुछ जोर जोर का पानी गिरता ही है, पानी गिरता ही है यहाँ से। मगर अभी क्या है, बारिश में इतना पानी नहीं है तो सूखा पड़ा है मंदिर। बल्लू फोटो खींचने में बिजी, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है झरने के पास तो जाया नहीं जा सकता। बल्लू भी वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के डालेगा स्टेटस। इतना गहरा है, बारिश में यहाँ पे पूरा झरना गिरता है यहाँ से पूरा नीचे और फिर बह के उधर नदियों में चला जाता है। मुझे लग रहा है लास्ट है, यहाँ से आगे तो घूमने के लिए नहीं होगा कुछ, यही है माता शीतला देवी यहाँ पे हैं। झरना यहाँ खूबसूरती के साथ बह रहा है, बहुत गहरा है यहाँ से झरना गिरता है, बहुत ज़ोर का, बहुत अच्छा लगता होगा बारिश में। तो फिर कभी अगर मुझे आना होगा तो बारिश के टाइम पे आऊँगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा घर अपना दूर है यहाँ से यार, आने के लिए सोचना पड़ जाता है। बाकी मध्य प्रदेश दोबारा जब भी आऊँगा तो यहाँ पे बारिश में आऊँगा, जुलाई अगस्त टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे कुछ बाबा लोग भी रहते हैं, पंडित जी। पहाड़ों के बीच से पूरा पानी निकल रहा है, पहाड़ों के बीच से ही पानी आ ही रहा है। बंदर पानी पी रहा है, बंदर लोग पानी पीते हैं ऐसे ही। यहाँ एक नहीं और सारे बंदर हैं, देखो एक वहाँ पे ऊपर है, एक वहाँ से नीचे उतर रहा है, एक यहाँ बैठ के पानी पी रहा है। और तो भी नहीं दिख रहे हैं, और भी होंगे, और हैं ऊपर ऊपर पहाड़ी के ऊपर हैं, छोटे छोटे बंदर बैठे हुए हैं। ये लोग डरते नहीं हैं गिरने से, बैठ जाते हैं कहीं पे। बल्लू भी वहीं खड़ा है, नहाए नहीं तो नहाने में बहुत मज़ा आने वाला था इसके नीचे बैठ के। तो ये बताइए, सब लोग बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि सही बात है क्या? क्या बंदर बाबा, सही बात है? अरे कुछ बोल दो यार, हम लोग कहावतें ही कहते रह जाएंगे क्या? अरे कुछ बोलेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बोलो। तो बंदर बाबा गुस्सा हो गए, नहीं बोल रहे हैं भाई, वापस चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले। बरदहा घाटी और अरे क्या था यार, कौन सी जगह, क्या गिरवची धाम पूरा घूम लिया है। बहुत खड्डा है भाई साहब, बहुत लंबा खड्डा है, यहाँ से अगर आप कूदते हैं या बाई मिस्टेक भी गिर जाते हैं तो मरना आपका तय है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो कूद सकते हैं, हमें कोई मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, अभी जीना चाहते हैं इसलिए यहाँ से नहीं कूदेंगे। और यहाँ बारिश में दोबारा आना है अपने को, देखने के लिए कि झरना कितना तेज गिरता है। इसके पहले मैं धारकुड़ी गया था बट वहाँ की ब्लॉग नहीं बनाया था भाई, तो है ठीक ठाक जगह है, दोबारा आने की कोशिश करूँगा मैं। यही है, मज़ा आ रहा है। बल्लू तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इसके पहले तुम कभी नहीं आया ना यहाँ? इसके पहले भी कभी नहीं आया, मुझे लेके आया घुमाने के लिए। हाँ थोड़ा सा और कुछ देखते हैं जगह, एक यहाँ पे कोई जगह है, अभी यहाँ अंदर नहीं घुसा, देखते क्या है। यहाँ बंदर बहुत हैं भाई साहब, फोन लेके भाग सकते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना है अपने को, डर लग रहा है मुझे भी।
तो बल्लू बोला थोड़ा आगे चलते हैं, तो बल्लू की बात मानते हैं और थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं मंदिर के। और थोड़ा सा आगे जाने में ऐसा है, ये अपना घिनौची धाम, उसके आगे बढ़ रहे हैं। क्या नज़ारा है यार भाई साहब। शांति, अगर असली शांति चाहिए, यानी कि सुख शांति वाली जो बात की जाती है, तो ये यहीं पे है। बहुत दूर नहीं चलना है बल्लू, जाने दे, अब उधर नहीं जाएंगे। कुछ खास पता नहीं, जो भी है सीढ़ी बनी है ऊपर जाने की।